कोरमंडल एक्सप्रेस डीरेलमेंट आज तक का ऐसा पहला हादसा है जिसमें LHB कोचेस के बावजूद कई सारी जाने गई। दिनांक 2 जून 2023 रेलवे इतिहास का वो काला दिन जो न जाने कितने सालों तक रेलवे और बहुत सारे यात्रियों के लिए दर्द की एक मिसाल बनकर रह गया है। चाहे 1991 का बिहार रेल हादसा हो जब एक यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन एक उफनती हुई नदी में जा गिरती है, या फिर 1995 का फिरोजाबाद रेल हादसा जब एक नीलगाय के कारण ट्रेन रुक जाती है और पीछे से दूसरी ट्रेन आकर इस ट्रेन से टकरा जाती है। ऐसे बहुत से हादसे हुए जो आज भी देश याद नहीं करना चाहता। इस कड़ी में एक और सबसे भयंकर रेल हादसा देखने मिला इंडियन रेलवे की ऐतिहासिक कोरमंडल एक्सप्रेस के साथ। तो सारे काम छोड़ दीजिए और शामिल हो जाइए अपने नोमैडिक भाई के साथ इस हादसे की हर एक बारीक जानकारी जानने में। तो जानते हैं असली दोषी कौन है और उसका कारण क्या था। तो आइए इस पर आज डिटेल में निगाह डालते हैं। क्या ये सिर्फ एक अनहोनी या हादसा है? रेलवे से जवाब तलब नहीं किया जाना चाहिए। कब तक रेलवे इन हादसे का जिम्मा किसी और पर थोपने का सोचती रहेगी? कब अपनी पुरानी जर्जर हो चुकी ट्रेन और ट्रैक चेंजिंग प्रणाली को चेंज करेगी? भैया उस दिन क्या हुआ ये बताओ ना। आते हैं भाई, पर वहाँ तक पहुँचने से पहले ये तो समझ लें कि रेलवे को आखिर कितना मौका मिला अपनी गलतियों से सीख लेने के लिए और अपने पुराने हो चुके ट्रैक सिस्टम को सुधारने के लिए। मतलब कौन कौन से मौके की बात कर रहे हो भाई? बताता हूँ। दिनांक 17 अगस्त 2022 बिलासपुर से भगत की कोठी जा रही एक ट्रेन गोंदिया स्टेशन के पास गुड्स ट्रेन से टकरा जाती है। हालांकि इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर ये एक हादसा था जो रेलवे के लिए अलार्म का काम करता है। हालांकि उस हादसे में ट्रेन की रफ्तार कुछ ज्यादा नहीं थी इसलिए लोगों की जान बच गई। ये हादसा भी कुछ ज्यादा अलग नहीं था जैसे कि कोरमंडल ट्रेन का हादसा हुआ। तब भी एक गुड्स ट्रेन से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के फेलियर की वजह से एक ट्रेन टकरा जाती है। इसके बाद भुवनेश्वर जनशताब्दी 17 सितंबर 2022 को डिरेल हो जाती है जब एक सांड ट्रैक पर आ जाता है। फिर आता है बिहार में हुआ 26 अक्टूबर 2022 का गुरपा रेल हादसा जब एक गुड्स ट्रेन बेकाबू हो जाती है और उसके ब्रेक्स फेल होने की वजह से मजबूरन उसको डिरेल करवा दिया जाता है। इसमें भी लोको पायलट्स की जान बच जाती है, पर यह हादसा एक सबक छोड़ जाता है। इसके बाद 14 दिसंबर 2022 को क्यूल इंटरसिटी चलते चलते दो भागों में बट जाती है। फिर 29 नवंबर 2022 को गंगा गोमती एक्सप्रेस दो भागों में बट जाती है। 22 नवंबर 2023 को उड़ीसा के कोरई रेलवे स्टेशन पर एक खाली गुड्स ट्रेन डिरेल होकर प्लेटफॉर्म पर जा घुसती है जिस हादसे में 5 करीब लोग जान गंवा देते हैं। 30 नवंबर 2022 को सियालदा के पास दो लोकल ट्रेन आपस में भिड़ जाती हैं। इतना ही नहीं, 2 जनवरी 2023 को सुबह 3:30 पर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 कोचेस डिरेल हो जाते हैं। पर इन सब हादसों में अच्छी बात ये थी कि किसी की जान नहीं गई क्योंकि ये सारे हादसे LHB कोचेस के साथ थे। बस कोरई रेल हादसा ऐसा था जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई जो कि ट्रेन में ऑन बोर्ड नहीं थे, वो स्टेशन के या वेटिंग हॉल में बैठे पैसेंजर्स थे। पर भैया सूर्यनगरी एक्सप्रेस तो ICF है। हाँ भाई बोलने तो दो। जी हाँ, सूर्यनगरी एक्सप्रेस ICF की थी, पर ट्रेन की कम रफ्तार की वजह से यह हादसा भयानक हादसे में तब्दील होने से बच गया। हालांकि हादसा ट्रैक्स में आए फ्रैक्चर की भेंट चढ़ा था, पर उस दिन अगर ट्रेन रफ्तार में होती तो शायद वो भी एक तकलीफ देह हादसा होता। 16 फरवरी 2023 को सुल्तानपुर में दो गुड्स ट्रेन आपस में टकरा गई। आखिर कितना और समय चाहिए रेलवे को इन दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए? इस सबसे भी रेलवे ने कुछ नहीं सीखा। अब आते हैं उस काले दिन की तरफ जिसने पूरे देश को एक सदमे में डाल दिया। उस दिन को कोई भी कभी याद नहीं करना चाहेगा। इसके बाद रेलवे कहती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पर असल दोषी तो रेलवे पहले खुद है। जापान जैसे देश में जहां बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन आज तक एक बार भी किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार नहीं हुई, वहीं हम 130 किलोमीटर प्रति घंटा पे दौड़ रही ट्रेनों को मैनेज कर पाने में असक्षम है और हादसे के बाद दोषियों को सजा देने की बकवास करते हैं। किसी को सजा देने की नौबत आए ही क्यों? सिस्टम खुद में इतना काबिल क्यों न बनाया जाए कि हजारों यात्रियों की जान किसी एक इंसान की सतर्कता पर न निर्भर हो? स्टाफ की नियुक्ति बढ़ाई क्यों नहीं जा रही? वहीं वंदे भारत ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस करने से पहले सिस्टम को एक्सीडेंट प्रूफ क्यों नहीं बनाया जा रहा? अब ये जानते हैं कि आखिर दिनांक 2 जून 2023 को आखिर कोरमंडल एक्सप्रेस के साथ विभत्स हादसा कैसे हुआ। वैसे कोरमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ कोई पहला हादसा नहीं है। इतिहास में 4 बार और कोरमंडल एक्सप्रेस हादसों का शिकार हो चुकी है। इसके अलावा और बात करें तो पिछले कुछ समय में उड़ीसा वो एरिया रहा है जिसने सबसे ज्यादा रेल हादसे देखे हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जहां दक्षिण भारत में कोई भी मेजर एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, पूर्वोत्तर भारत में कोई भी मेजर एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, तो सारे हादसे उड़ीसा, बिहार, MP और UP में क्यों हो रहे हैं? पिछले एक साल में 3 के करीब हादसे उड़ीसा में हो चुके हैं। फिलहाल उड़ीसा में 3 रेलवे जोन ऑपरेट होती हैं जो कि हैं ईस्टर्न कोस्ट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में, फिर साउदर्न ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है गार्डन रीच कोलकाता, और साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। तारीख थी 1 जून 2023 की। ट्रेन नंबर 12864 SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह के 10:35 पर बेंगलोर से हावड़ा के लिए डिपार्ट होती है। सामान्य दिनों में ट्रेन SMVT बेंगलोर से चलकर काटपाड़ी, तिरुपति, ओंगोल, चिराला, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, ब्रह्मपुर, खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक,
खड़गपुर के रास्ते अपनी मंजिल हावड़ा अगले दिन शाम 7:55 पर पहुंचती है। ये ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पर हावड़ा की तरफ बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तारीख हो चुकी थी 2 जून 2023 और ट्रेन नंबर 12841 कोरमंडल एक्सप्रेस जो चलती है शालीमार से MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच अपनी मंजिल चेन्नई के लिए 2:03 पर डिपार्ट होती है। ये दोनों ही ट्रेन LHB है और इनकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। कोरमंडल एक्सप्रेस अपने रूट की सबसे फेमस ट्रेन है जिसे 6 मार्च 1977 में पहली बार इंडियन रेलवे के पटरियों पर दौड़ाया गया था। सामान्य दिनों में ट्रेन 2:03 पर डिपार्ट होकर खड़गपुर, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा के रास्ते अपनी मंजिल MGR चेन्नई अगले दिन शाम 4:50 पर पहुंचती है, जिस दौरान इस ट्रेन की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर और औसत स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर रहती है। ये ट्रेन इस यात्रा में लगभग 1659 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोरमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय शालीमार से तय समय पर डिपार्ट होकर अपनी मंजिल तरफ बढ़ती जा रही थी। जो लोग चेन्नई के लिए अपने परिजनों को छोड़ने आए थे उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था कि वो शायद आखिरी बार उन्हें जीवित देख रहे हैं। वैसे LHB कोचेस के आने के बाद लोगों को रेलवे पर थोड़ा भरोसा बढ़ा था। खैर, कोरमंडल एक्सप्रेस डिपार्ट हो जाती है अपनी मंजिल की तरफ और खड़गपुर, बालासोर क्रॉस करके अपने अगले गंतव्य भद्रक की तरफ बढ़ती जा रही थी। स्टेशन क्रॉस होने वाला था बहनगा बाजार। कोरमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार लगभग 127 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं डाउन लाइन पर आने वाली थी ट्रेन नंबर 12864 SMVT बैंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब समय होता है 6:55, तारीख थी 2 जून 2023। कोरमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर्स के मुताबिक उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया था और मेन लाइन एकदम खाली था। दूसरी तरफ 12864 SMVT बैंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट लगभग 3 घंटे 20 मिनट की देरी से चल रही थी और 1687 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। भानगा बाजार रेलवे स्टेशन में दोनों तरफ गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी। कोरमंडल एक्सप्रेस जैसे ही भानगा रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रही थी अचानक मेन लाइन से लूप लाइन तरफ मुड़ जाती है, जिस लूप लाइन में ट्रेन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक दौड़ने की अनुमति नहीं होती। जरा सोच के देखिए, उसमें ट्रेन 127 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ रही होती है और वहीं खड़ी एक गुड्स ट्रेन से तेज रफ्तार से जा टकराती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और धुएं और धूल से आसमान काला उठता है। कोरमंडल एक्सप्रेस को हॉल कर रहा WP7 लोकोमोटिव गार्ड वैन पर जा चढ़ता है और ट्रेन के बाकी कोचेस एक के बाद एक डिरेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ आ जाती है SMVT हावड़ा एक्सप्रेस, जिसको बहुत जगह यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही ट्रेन है। कुछ समय पहले ये ट्रेन यशवंतपुर से डिपार्ट होती थी, जिसे SMVT बैंगलोर से डिपार्ट किया जाता है। तो कोरमंडल एक्सप्रेस के डिरेल हुए कोचेस जाके SMVT हावड़ा एक्सप्रेस के कोचेस से जा टकराते हैं। एक सामान्य दिन, एक सामान्य स्टेशन, एक मलबे और मौत के तांडव से शहर उठता है। बहुत ही विभत्स हादसा था ये। इस हादसे की वजह से आए धरती में कंपन काफी दूर तक महसूस किया जा सकता था। जिस समय हादसा हुआ, गुड्स का गार्ड कैरिजेस की चेकिंग के लिए गया हुआ था, इसलिए इस हादसे के समय उसकी जान बच जाती है और कोरमंडल एक्सप्रेस के दोनों लोको पायलट की जान भी बच जाती है। पर उनकी हालत काफी गंभीर है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। LHB कोचेस के साथ सबसे भयानक हादसा था ये। इसमें यकीनन LHB कोचेस का दोष नहीं है, पर परिस्थितियां ऐसी कैसे आई? कोरमंडल एक्सप्रेस के 23 कोचेस में से 15 कोचेस डिरेल हो जाते हैं, वहीं हावड़ा एक्सप्रेस के 3 कोचेस डिरेल हो जाते हैं। इस हादसे में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 275 के करीब है और स्थानीय लोगों का माने तो यह आंकड़ा 300 से भी ज्यादा है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो जाते हैं। हादसे के बाद रेल मंत्री दुर्घटना स्थल के जायजे के लिए पहुंच जाते हैं और कई अधिकारियों को भी तलब किया जाता है। साथ ही साथ NDRF की टुकड़ी को बचाव और राहत का काम सौंप दिया जाता है। स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया जाता है कि राहत और बचाव में जो भी उपकरण या सहूलियतों की जरूरत हो उसे तुरंत मुहैया कराया जाए। घटना के बाद रेल मंत्री मुआवजे की घोषणा करते हैं। इस हादसे में जिन यात्रियों ने जान गंवाई उनके परिजनों को 10-10 लाख कंपनसेशन दिया जाता है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख मुआवजा दिया जाता है। सामान्य रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार कंपनसेशन की घोषणा करती है रेलवेज। रेलवेज के सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं जब कभी इस तरह का हादसा सुनने या देखने मिलता है। विगत एक वर्ष में न जाने कितने ही ऐसे रेल हादसे रेलवे की लापरवाही के नतीजे चढ़ गए। आखिर क्यों रेलवे हर हादसे के बाद एक चेहरा तलाशने में लग पड़ती है जिस पर हादसे का सारा जिम्मा डाल दिया जाए? क्यों रेलवे तकनीक और ह्यूमन दोनों तरह के बीच एक सामंजस्य को स्थापित करने में नाकाम रहती है? ऐसा ही कुछ देखने मिला था बीकानेर गुवाहाटी रेल हादसे में भी। अभी तक प्राप्त सूचना के मुताबिक रेलवे संभावना जता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है। जांच अभी जारी है, जांच की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पर एक बार जांच की रिपोर्ट आने के बाद इसके वास्तविक वजहों का खुलासा होगा। पर वजह चाहे जो भी हो, नाकामी इंडियन रेलवे की है। कहीं ऐसा ना हो कि यात्री अपना भरोसा रेलवे से खो दें। अब तो उड़ीसा से होकर जाने वाले रेल मार्गों को लेकर लोगों में डर का माहौल है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, जल्दी मिलता हूँ इसके असली वजहों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।